सितंबर 2020 में पबजी भगवान को प्यारे हो गए थे, उसके बाद दिवाली पे बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की पबजी वालों ने, बट वो बॉम्ब फुस के निकला। बट करंटली ठीक 9 महीने बाद पबजी का पूर्ण जन्म हुआ है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से, और इस बार सिर्फ क्राफ्टन का हाथ है, क्राफ्टन ने ही उसे पूर्ण जन्म दिया है। इस बार इसमें टेंसेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इस वाले वीडियो में हम इसी गेम को देखने वाले हैं, इसका गेम प्ले देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है उसको इंस्टॉल करने के लिए, बट हम आपको बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीजों पे बात करने वाले, गेम प्ले भी देखेंगे। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है क्योंकि इतने टाइम बाद आ रहा है, तो सीधा चलते हैं अभी गेम देखने के लिए, तो लेट्स गो। तो फर्स्टली अगर इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊं तो मुझे भी 2 दिन तक प्रॉब्लम हुई, इंस्टॉल हो ही नहीं रहा था। फिर आज मैंने इनकोग्निटो मोड में जाके पबजी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो BGMI ऑफिशियल वेबसाइट है करंटली, उस पर गया और वहां पर मैं बीटा प्रोग्राम का टेस्टर बना, फिर वहां से मैं इंस्टॉल कर पाया। तो आप भी एक बार इनकोग्निटो मोड में जाके पबजी के या फिर BGMI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहां से डाउनलोड करके देखो, तो हो जाएगा आपका डाउनलोड। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने ऐसे ही डाउनलोड किया है, सबका वर्किंग है। तो आप भी एक बार इंस्टॉल करके देखो, आपका भी शायद इंस्टॉल हो जाए। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्रोम में जो अकाउंट साइन इन है और जो प्ले स्टोर पे अकाउंट साइन इन है वो सेम होना चाहिए, तो ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो पाएगा। ये सारे स्टेप्स होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद, मस्त प्ले स्टोर पे आपको प्ले का बटन दिखेगा और मस्त अभी इधर पे दबा के आप खेल सकते हो। तो हम भी देखते हैं इसका गेम प्ले। भाई साहब प्ले का बटन आ गया है और दबाते हैं, अब देखते हैं अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, क्राफ्टन लिख के आ रहा है, पहले टेंसेंट लिख के आता था, तो ये एक बड़ा चेंज है। सिर्फ क्राफ्टन का हाथ है इसके अंदर, इस बार टेंसेंट वेंसेंट कुछ नहीं है। गेम ओपन हो चुका है और ये फ्रंट पे जा रहा है, जो कि रैंगल 2.0 के टाइम पे चेंज हुआ था और सेम ही आई थिंक इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। और काफी सारे लोगों को ये डाउट था कि डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है या नहीं पुराने वाले अकाउंट से, तो मेरे केस में तो हो गया, ऑप्शन आता है आपको डेटा ट्रांसफर का, तो मेरे यहाँ पर तो हो चुका है, सारी चीजें मुझे मिल चुकी है, मेरे नेम टैग्स भी मुझे मिल चुके हैं, लाइक सीजन 13 AS दिखा रहा है, मैंने खेला था उस टाइम पे ज्यादा। और क्या क्या चेंज किया है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंट्रोल्स जो है वो टोटली चेंज हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आएगा, सेंसिटिविटी भी आपको बाय डिफॉल्ट जो आती है वही देखने मिलेगी। फिर आपको स्टार्टिंग से वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा कंट्रोल्स और सेंसिटिविटी को। और बेसिक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी, कुछ नई चीज़ तो ऐड नहीं की है यहाँ पर, बट यहाँ पर इफेक्ट सेटिंग्स में जो रेड कलर था उसको हटा दिया है उन्होंने और सिर्फ ग्रीन, डार्क ग्रीन और येलो रखा है, और डैमेज इफेक्ट में भी ग्रीन और येलो ही रखा है, ताकि कोई भी उनको चांस नहीं मिलना चाहिए गवर्नमेंट को बैन करने के लिए। बेसिकली उन्होंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जहाँ पर हार्श इफेक्ट हो, हार्श साउंड करे कोई भी चीज़ और उसको देख के गवर्नमेंट बैन कर दे। और बहुत सारे परमिशंस भी मांगता है आपसे, लाइक 18 ईयर अबाव हो या नहीं, तो सारी चीज़ें आप देख लेना और परमिशंस दे देना, फिर उसके बाद आप खेल पाओगे। और फ्रेंड्स जो है वो आपके करंटली नहीं दिखाएंगे, आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, बट क्या पता जब नॉर्मल वर्जन आएगा, एकदम स्टेबल वर्जन, उसमें शायद आपको फ्रेंड्स दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स को ऐड कर रखा है, तो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। आप चलते सीधा गेम खेलने, देखते क्या क्या इसके अंदर चेंज है, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। हम लगाते हैं एरिना ट्रेनिंग, तो डाउनलोड हमने कर लिया है, अब चलते हैं सीधा गेम में। तो ओके करता हूँ और स्टार्ट यहाँ पर। तो पहले मैं एक गेम खेल के देखता हूँ और फिर आपको बताऊँगा मेरे एक्सपीरियंस क्या क्या चेंज है और क्या क्या चेंजेस मुझे लग रहे हैं। You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Target down. Blue team victory. 20 finishes, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, पहले किल आता था, अब फिनिश आ रहा है। और एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे ही किल करने के बाद जो है वो जो बंदा है, जो कैरेक्टर है जिसको हमने मारा, वो अचानक से वैनिश हो जाता है, तो ये ग्लिच टाइप सा लगता है। होपफुली इसको ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अनस्मूथ सा एक्सपीरियंस है, अनस्मूथ सा एनिमेशन है, उसको स्मूथ कर देना चाहिए। बाकी इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं आई, एकदम स्मूथली गेम चल रहा था। और यहाँ पे करंटली जो सर्वर है वो इंडिया दिखा रहा है, एशिया नहीं दिखा रहा है। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो टैक्टिक को, लाइक यहाँ पर अगर आप ड्रॉप टैक्टिक को ऑन कर दोगे
और फिर यहाँ पे हॉट ड्रॉप या फिर स्लो एंड स्टडी इसको सिलेक्ट करोगे तो आप उन्हीं से मैच मेकिंग कर पाओगे जिन्होंने ये वाले ऑप्शंस चेक किए होंगे और इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से कमबैक किया है। देखते आगे क्या क्या होता है। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस चेकआउट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज करने की कोशिश करेंगे। एमुलेटर पे चला के देखेंगे कि कैसा चल रहा है। करंटली प्रॉब्लम आ रहा है बट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो जरूर आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।